प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा एयरपोर्ट नहीं गए हैं तो फिर तो मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं ना? बिना वो दुकान से निकले थे कि नहीं एयरपोर्ट जाने के लिए? एक काम करो, नटू काका को फोन करके पूछ लो। सेठ जी के घर से फोन, क्या हुआ होगा? हेलो। हाँ नटू काका। हाँ शेठानी जी बोलिए। सॉरी नटू काका, आपको रात को जरा फोन किया, लेकिन टप्पू के पापा अभी तक घर पर नहीं आए। कहाँ से आएंगे, वो तो बापू जी के दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। क्या, एयरपोर्ट गए? हाँ। लेकिन नटू काका गोर्धन काका घर पे आके भी चले गए, लेकिन टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए। शेठानी जी, दुकान से तो सेठ जी एयरपोर्ट जाने के लिए ही निकले थे। तो फिर कहाँ गए होंगे? नटू काका, एयरपोर्ट के सिवा कहीं और जाने की बात कर रहे थे? नहीं। तो फिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? सेठन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर पहुँचता हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आप रहने दीजिए, घर में बापू जी सुंदर सब लोग है, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको फोन करूंगी, आप सो जाइए। ठीक है सेठन जी, चिंता मत कीजिए। हाँ बापूजी, नटू काका ने कहा कि टप्पू के पापा एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए थे। लेकिन बहू जैसा तो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं, तो फिर कहाँ गए? बच गया, जिंदा है भाई अंगूठा, जिंदा है। एक सेकंड के लिए मैं तो डर गया था। बाप रे, एक बज गया, अब तक तो गोर्धन काका एयरपोर्ट से घर पहुंच गए होंगे। घर पर सबको पता चल गया होगा कि मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, बापूजी चिंता कर रहे होंगे। जेठिया एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो गया किधर, बेचारी दया भी चिंता कर रही होगी। मुझे घर जाना ही पड़ेगा। राजन बोल। राजू, ये रात को यार भूत की फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। क्यों, डर लगता है क्या तेरे को? थोड़ा थोड़ा। अरे क्या डरता है यार, कुछ नहीं होता है, चल। तू डर गया? अबे ऐसे कोई भी हाथ रखेगा तो डर ही जाएगा ना आदमी। सॉरी सॉरी यार, सॉरी। चल ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये शटर से। यार ये आवाज तो शटर से आ रही है। लेकिन शटर तो बंद है। तो यार ये अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अरे भाई साहब, मैं हूँ, मैं इधर बंद हो गया हूँ, मेरी मदद करो प्लीज। कहीं अंदर भूत तो नहीं ना? अरे फिल्म में देखा नहीं था, चुड़ैल अलमारी के अंदर बंद थी और अंदर से खटखटा रही थी। जैसे ही हीरो के दोस्त ने दरवाजा खोला, हीरो के दोस्त को मार दिया। हाँ दोस्त। अरे भाई मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा इंसान हूँ। अरे लेकिन यार ये तो मर्द की आवाज है। शायद चुड़ैल आवाज बदल के भूल रही हो। हाँ। अरे भाई फंस गया हूँ इधर, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो अभी जाना नहीं, मुझे घर जाना है। वो भी ऐसे ही रो रही थी। अरे रो नहीं रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, देखो बस हंस रहा हूँ देखो।
मेरा सुनो। अरे तुम्हारी भगवान, कैसी मुसीबत में फंसा दिया है आपने मुझे। मुझे मेरी चिंता नहीं है, घर में सब लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, उसकी चिंता है मुझे। मुझे बहुत फिक्र हो रही है वीरा, कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? अरे मैं ना माई डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही होंगे और गोर्धन काका को ढूंढ रहे होंगे। पतू चक्का अर्जेंट रावण, चलो हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं और माई डियर जीजा जी को ढूंढ कर लाते हैं, चलो। अरे नहीं सुंदर, तू यहाँ बहना के साथ रुकना, हम लोग चारों है ना, तू फिक्र मत कर। तो बका कौन से प्लेटफॉर्म पर ढूंढेंगे जीजा जी को? उधर एक ही प्लेटफॉर्म होता है। बाय बाय। पतू तुमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो देखा है ना? अरे हाँ सुंदर, मैं अमेरिका जाने के लिए कितने लोगों को वहाँ छोड़ने गया, मुझे पता है। जाओ जाकर फटाफट जीजा जी को ढूंढ कर लाओ, जाओ। चलो चलो, चलो। सुनो, मैं क्या कहती हूँ, एयरपोर्ट के कोने कोने में जाकर उनको ढूंढना और हर प्लेन के अंदर भी जाकर ढूंढना। हाँ हम लोग देख लेंगे, आप चिंता मत करो। चलो फटाफट निकलो, चलो 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 चलो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मजे आ जाएगा। अरे प्लेटफॉर्म टिकट लेने का, जल्दी चल। बापूजी आखिर कहाँ गए होंगे टप्पू के पापा? बहू एक काम कर, मेहता को फोन कर। बापूजी मेहता साहब और अंजलि भाभी तो 3 दिन के लिए जोधपुर गए हैं। तो मम्मी शोरी अंकल, पोपट अंकल और बीड़ अंकल को फोन करो। अरे रहने दे बेना, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना है? अरे माय डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही होंगे और वे चार लोग उनको ढूंढ कर ही लाएंगे। लेकिन वीरा तुम्हारे जीजा जी एयरपोर्ट नहीं होंगे तो वो लोग उन्हें कहाँ ढूंढ लेंगे? और टप्पू के पापा का तो मोबाइल फोन भी बंद है। अरे बहना ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, माय डियर जीजा जी एयरपोर्ट पर ही गोर्धन काका को ढूंढते ढूंढते थक कर सो गए होंगे। अरे ये चार लोग उनको ढूंढ कर ही आएंगे बेना। भगवान करे ऐसा ही हो, वैसे तो थोड़ी भी देर होने वाली हो ना तो तुरंत फोन करके बता देते हैं। माता जी टप्पू के पापा की रक्षा करना। ये क्या बबूचक समझता ही नहीं, एक फोन तो कर देना चाहिए, पता नहीं कहाँ होगा। अब क्या होगा? अरे मैंने कुछ नहीं हुआ होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूँ ना, चल अंदर चल कर आराम कर, चल। अरे कुछ चिंता मत कर, मैं हूँ ना बेना, चल शांति। कुछ भी हो तो। अरे बेना बिल्कुल चिंता मत कर, आराम कर थोड़ी देर। बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, हवा खा बेटा हवा। इतने सारे फ्रिज है लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी सकता, इतने सारे टीवी है लेकिन टाइम पास के लिए टीवी भी नहीं देख सकता। ओ, 1:30 बज गया, अब तक तो दया और बापूजी मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़े होंगे। ए भगवान, ढूंढते ढूंढते यहाँ गोडाउन तक आ जाए, ऐसा हो सकता है? सॉरी नहीं ना, नहीं मुझे आइडिया था लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। मैं गोडाउन में हूँ वो तो उनको सपने में भी सपना नहीं आएगा ना। चलो जैसी आपकी इच्छा, सुबह तक इधर ही रहना पड़ेगा और सुबह तक निर्जड़ा उपवास। पापा मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कम से कम एक फोन तो कर लिया होता। मेरी दया बिचारी बार बार मोबाइल पे फोन कर रही होगी, लेकिन उसे क्या पता मेरे मोबाइल ने जड़ समाधि ले ली है। टप्पू के पापा अब चिंता मत कीजिए। क्या चिंता मत कीजिए, और मुझे मेरी नहीं मुझे तेरी चिंता हो रही है दया। दा, 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 दा,
गया। तेरी बहुत याद आ रही है। टप्पू के पापा कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाओ, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आपका मोबाइल फोन भी बंद है। अब से आप 5 मोबाइल फोन रखना। एक बंद हो जाए तो दूसरा, दूसरा बंद हो जाए तो तीसरा, तीसरा बंद हो जाए तो। मैं आपसे एक भी मोबाइल रखने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं, तो मोबाइल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच? तो मुझे भगवान से कुछ। हे भगवान, टप्पू के पापा जहां पर भी हो उनका ध्यान रखना। जीप रुको। हाँ सर। हेलो इंस्पेक्टर लोखंडे हियर। यस इंस्पेक्टर लोखंडे हियर। पिछले कुछ दिनों से चड्डी गैंग की चोरी और लूट की वारदातें बढ़ गई हैं, खासकर अंधेरी ईस्ट में। चड्डी गैंग वाले रोज रात को चोरी कर रहे हैं। हाँ सर, हमें पता है। चड्डी गैंग को ढूंढने की हमारी कोशिश जारी है सर। ऊपर से ऑर्डर है कि जल्दी से जल्दी चड्डी गैंग को पकड़वाया जाए। ओवर। ओके ओवर। पाटिल सर, इस चड्डी गैंग ने हमारी नाक कटवा दी है। हमारे इलाके में चोरी करते हैं। अब इस गैंग को किसी भी कीमत पकड़ना है, समझे? सर। चलो। ये गणिया, पुलिस आपन को ढूंढ रही है रे। फिकर मत कर, हम पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। अरे कैसे हाथ आएंगे? पुलिस चट्टी गैंग को ढूंढ रही है, पर आज हम चट्टी पहन के नहीं, पैंट पहन के चोरी करेंगे। चल निकाल निकाल। चल, अब बता, आज किसे लूटना है? गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे बड़ा तो बड़ा। अबे बड़ा नहीं बे, गाड़ा, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई बात नहीं, उसी को लूट लेते हैं। चल चल जल्दी चल। अबे इधर चल। सुनो, ये देख, ये रहा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अबे सुन रहा है कि नहीं? थोड़ी सुन रहा हूँ। बारिश में भीग गया हूँ, ठंड लग रही है। अबे अंदर गोडाउन में टीवी, फ्रिज, एलसीडी देखकर तेरी ठंड उड़ जाएगी। दो चार एलसीडी अपन भी मार लेते। चल शटर तोड़ कर देखते। चल चल चल। लगता है कोई मदद के लिए आया है। थैंक यू भगवान। अरे संभाल के, कोई सुन लेगा तो पकड़े जाएंगे। अरे कोई सुन लेगा तो उन्हें भी दो फटके देंगे, समझा? हे भगवान, ये तो चोर है, मेरे गोडाउन में चोरी करना है। अभी क्या करूं, क्या करूं? मुझे पकड़। अपनी तो लॉटरी लग गई रे, पूरा गोडाउन माल से भरा पड़ा है। फिर डायरेक्ट टेम्पो लेकर आना चाहिए था। हाँ सारा माल उठा ले चलते। छोड़ा भी, जो मिलता है वो उठा ले चल। मेरी मेहनत की कमाई है, तुम्हारे बाप का माल नहीं है जो मिला ले जाएंगे। ये गणिया, एक मिनट एक मिनट, एक बात देखी तूने? लाइट चालू है। अबे बंद करना भूल गया। सरकार बोलती है बिजली बचाओ, पर ये बड़े लोग समझते ही नहीं। बिल तेरे को भरना है। चल। क्या करूं? चोर से चिल्लाऊं? अरे इतनी दूर से शटर ठोक रहा था, किसी ने सुना नहीं। चोर से चिल्लाऊंगा तो ये दोनों ही सुनेंगे।
हमला करूं, लेकिन वो दो है और मैं अकेला एक ही हूं। हमले में मुझे कुछ हो गया, दया बापू जी और टप्पू का क्या होगा? लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकता। एक काम कर सकता हूं, शटर तो खुली गया है, लाइट बंद करके बाहर भाग जाता हूँ और पुलिस को बुला के आता हूँ। लाइट किसने बंद कर दिया? ए, कौन है? कौन है? कौन है? अरे, ए, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है तू? कौन है? लाइट तूने ऑफ किया? हाँ, इधर से। चल चालू कर। चल जल्दी। ए, कौन है तू और अंदर कहां से घुसा? शटर से। हमसे पहले घुसा क्या? हाँ। तू अंदर है फिर शटर को बाहर से ताला किसने मारा? मेरे आदमी ने। लेकिन बाहर तो कोई नहीं। तेरा आदमी गया किधर? टेम्पोला ने गया क्या? हाँ हाँ। देख भाई, ये हमारा एरिया है। हाँ। इधर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने का क्या? मेरे ही माल को हाथ लगाने से मुझे ही रोकोगे? मेरे ही माल मतलब? मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं, जेठालाल गड़ा। ये गोडाउन भी मेरा है। तो तू अपने गोडाउन में चोरी करने आया? ये पागल। मैं पागल? मैं पागल हूँ जो अपने गोडाउन में चोरी करने आऊंगा? यहाँ आया किस लिए? चीची किया कौए ने इधर, तो मैं हाथ धोने के लिए आया उधर बाथरूम में। मेरे आदमी को मालूम नहीं था कि मैं हूँ अंदर, उसने बंद कर दिया शटर, इसलिए मैं इधर अंदर। देखो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, एक भी चीज को हाथ लगाया तो वरना खबरदार, वरना। वरना क्या करेगा तू? पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा? कैसे बुलाएगा? फोन से? फोन तो तेरा डेड है। गणिया ने सुबह ही उसे मोबाइल है तुम्हारे पास? क्यों? हमारे पास नहीं है। सॉरी, हाँ हाथ लग गया गलती से शटर को। तेरा फोन डेड है, मोबाइल तेरे पास है नहीं, तो फिर पुलिस को बुलाएगा कैसे? वैसे पुलिस को बुलाने का एक तरीका है। क्या? कुएं से निकले तो खाई में गिरे, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, मुसीबतों का अंधेरा छा गया, किस्मत फूट गई। ना जाने कितनी कहावतें इस वक्त मुझे याद आ रही है जो जेठालाल की इस किस्मत के आगे फेल हो गई है। भाई जेठालाल की किस्मत ऐसी किस्मत भगवान किसी को न दे। दुकान में बंद, शटर लॉक, फोन खराब, चोर आ गए हैं। भाई आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, ऐसा घना अंधेरा भाई मैंने किसी की किस्मत में नहीं देखा। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि यहां जितनी ज्यादा मुसीबतें आती है लोगों को उतना ज्यादा मजा आता है। भाई हमारे देश के लोग भी बड़े कमाल के हैं, कोई मुसीबत में हो तो उसे देख के हंसते जरूर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देख के मत हंसिए, ये सोच सोच के हंसिए कि इन मुसीबतों में अब जेठालाल का क्या होने वाला है। भाई कमाल की स्थिति है, अब इनमें कितने हंगामे होंगे, कितने धमाके होंगे और आपके घरों में कितने ठहाके होंगे, सब कुछ अनगिनत है। जिस तरह जेठालाल की मुसीबत है अनगिनत, वैसे आपके घरों में हंसी अनगिनत। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए अब क्या होगा इस बंद दुकान के अंदर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.